हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अमित और आप देख रहे हैं दिल्ली एनसीआर का नंबर वन सर्विस सेंटर सूरज कंप्यूटर्स। आज ही हमारे पास एक एप्पल का लैपटॉप आया है, एप्पल मैकबुक प्रो A1278। वैसे तो लैपटॉप बहुत पुराना है ये, पर लैपटॉप आज भी चल रहा है और काम भी परफेक्ट करता है, यानी जिसके पास है वो यूज कर रहा है तो वो बहुत अच्छा चल रहा है। उसमें प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम होती है कभी बोर्ड की दिक्कत होती है, और जो आजकल मोस्टली मैं देख रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ, वो ये है कि ये थोड़ा स्लो हो गया है। आप देखते हो काफी टाइम लेता है। कारण क्या है, इसमें थोड़ा अपग्रेडेशन की जरूरत होती है कि इसमें है क्या होता है, हमारा ओएस वगैरह जब ओपन होता है तो उसमें टाइम लेता है, कोई सॉफ्टवेयर या कोई फाइल वगैरह ओपन करते हैं तो उसमें भी टाइम लेता है। तो अब समय बदल चुका है, अब समय आ गया है SSD का। आजकल जो ये मशीनें स्लो चल रही है, ऐसा नहीं है कि आपकी मशीन खराब हो गई है, नहीं, आपको थोड़ा सा अपग्रेड करना होगा। जैसा हार्ड डिस्क SSD में रैम 2GB है तो 4GB, 4 है तो 8 तक ये मशीन सपोर्ट कर लेती है। थोड़ा सा अपग्रेड करेंगे तो हमारी ये जो मशीन है बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करना शुरू कर देती है और अच्छी चलती है। तो इस प्रकार इसमें यदि आपको लगे आपके पास कोई 1278 है कि बहुत पुराना हो गया, अब मेरा काम नहीं चल रहा है, बहुत स्लो चल रहा है, तो लैपटॉप को फेंकने की जरूरत नहीं है, लैपटॉप चेंज करने की आपको जरूरत नहीं है। आप देखो, अपने लैपटॉप में SSD अपग्रेड कराओ, अपने रैम, अपने लैपटॉप की रैम बढ़वाओ और मशीन का एंजॉय करो, क्योंकि ये मशीन इतनी जल्दी, ये कितना भी पुराना हो पर आपका काम परफेक्ट करेगा, जो नॉर्मल काम होता है। जो एप्पल में मैंने आजकल क्या, मैं पहले से ही जो एक्सपीरियंस किया है वो किया है कि जो बंदे काम करते हैं मोस्टली काम उनका वर्ड डॉक्यूमेंटेशन का ही होता है जो एप्पल पे काम कर रहे हैं, तो उसके लिए ये मशीन 1278, मैं स्पेशल आपको मॉडल बोल रहा हूँ 1278, ये आज से 10 साल पुराना मॉडल है, कम से कम भी 10 से 11 साल पुराना, पर चलेगा आज भी परफेक्ट। यदि आपके पास ऐसा कोई लैपटॉप है तो उसको आप डिस्ट्रॉय मत करें, उसको यूज करें। यूज क्या कैसे करेंगे, जब आपका नहीं चल रहा है तो उसमें आप SSD अपग्रेड कराएंगे, रैम अपग्रेड कराएंगे, आपकी मशीन बिल्कुल ओके हो जाएगी। जैसा कि ये एक लैपटॉप आज हमारे पास आया है, हम उसमें आपको दिखाते हैं कि ये स्लो चल रहा है और इसमें हम SSD कैसे चेंज करते हैं। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें कि भाई हम आपका किस प्रकार सहायता कर सकते हैं, कैसे अपने आपको हम अपडेट रख सकते हैं अपने वीडियो में, कैसा हम आपको सहायता, कैसी हम आपकी जो हेल्प करना चाहते हैं वो किस प्रकार हेल्प कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें इससे बताएं, अपनी प्रॉब्लम हमें बताएं, हो सकता है हम सॉल्यूशन आपको फोन पे ही दे दें। अदरवाइज तो ये होता है, देखो सॉल्यूशन के लिए आना पड़ता है, मोस्टली काम फोन पे नहीं होते हैं, कुछ एक दो सेटिंग होती है वे काम फोन पे हो जाते हैं, अदरवाइज तो समस्या के लिए आपको आना ही पड़ेगा। जो जैसा हार्डवेयर की समस्या होती है, कोई पार्ट चेंज होना है या कुछ इस प्रकार होती है, तो हम आपको सॉल्यूशन मोस्टली तो आना पड़ेगा, जो भी होगा हमारी तरफ से जितनी हो सकती है हम कोशिश करेंगे कि आपको फोन पे ही सॉल्यूशन दे दें। तो अब हम इसमें SSD लगाते हैं, आपको दिखाते हैं कि इसकी SSD हम चेंज कैसे करते हैं, इसमें OS कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो लेट्स गो, आगे बढ़ते हैं। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सॉल्यूशन बताएंगे, और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके।
हमारी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम आपके लिए बनाते रहते हैं। और अगर आपके लैपटॉप में भी इस तरह की समस्या आ रही है तो आप हमें अपने लैपटॉप की वीडियो बनाकर इंस्टाग्राम पर भेजें, हम आपको जितना संभव हो सकेगा उसका सोल्यूशन बताएंगे। और आप हमें कमेंट भी कर सकते हैं, हम आपको उसका रिप्लाई करेंगे, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान हो सके।